और सुहाना दिन और एक और नया ब्लॉग। तो विक्रम वेदा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो चेक। तो आज कितना डेट है, आज 29th of September। अभी वैसे बस 12:30 बजने वाला है और मैं अभी मतलब विक्रम वेदा देख के निकला। तो मेरे बागडोगरा से कुछ दोस्त आए थे तो वो लोग चले गए यहाँ से घर, और मैं अभी हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे अकेले हूँ, तो अभी जा रहा हूँ वैसे घर। तो मैं सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी सिटी सेंटर में हूँ, बहुत कम ही सिटी सेंटर आने का मौका मिलता है मूवी करने में। मैं ज़्यादातर कार्निवल जाता हूँ, पर इस बार कार्निवल्स में सुबह फर्स्ट शो का टिकट नहीं दिखा रहा था, तो उसी की वजह से मैं अभी सिटी सेंटर आया। तो यार मूवी तो बहुत तगड़ी थी यार, ऋतिक रोशन का कोई भी मूवी मेरे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है। बहुत महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद सही में ऋतिक रोशन का एक मूवी देखने को मिलता है, एक अच्छा मूवी देखने को मिलता है। तो मज़ा तो आ गया विक्रम वेदा देख के। अभी जा रहे हैं घर, देखते हैं आसपास सिटी सेंटर का हल्का सा ग्लिम्स भी दे दूंगा अभी क्या चल रहा है सिटी सेंटर में। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मैं हमेशा से बचपन में सोचता था काश ये चीज़ थोड़ी बड़ी आती, मतलब हम बड़े लोगों के लिए भी होता, क्योंकि यार सही में इसमें बचपन में जंप करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। पर अभी हम लोग इसके साइज के लिए नहीं है। तो यार बहुत ही भयंकर जाम लगी हुई है आज, वही यार पूजा का टाइम है। मैं तो कलकत्ता मेरे के फालतू में कंप्लेन कर रहा था, हमारा सिलीगुड़ी का भी सेम ही हालत है। कहाँ से निकाले यही सोच रहा हूँ मैं तब से। ओ सामने रेड लाइट है तो थोड़ा तो ऐसे भी रुकना ही पड़ेगा। ओ भाई ये एक तो ये गर्मी, ऊपर से पूजा का जाम। ओ भाई साहब बस ये दार्जिलिंग मोड़ निकल जाए उसके बाद टेंशन नहीं है। घर आके भी निकलने का भी टाइम हो गया, मुझे बस शूज चेंज करना था। कोना से निकालते हैं। अरे छोटो भाई आप भी रुक जाओ। नहीं नहीं निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टोटो वाले भाई साहब आगे चले गए। थोड़ा और आगे चल जाते तो अच्छा होता। चलो ऑल गुड। तो एक और आउट ऑफ नोवेयर बारिश। आज सुबह का वेदर याद होगा आप लोगों को और अभी का वेदर देखिए। वैसे अभी 5 बजने वाला है, अभी है और कुछ कुछ ट्यूशंस, बस यही काम है इसका। ओके सो माय हार्ड डिस्क इज हियर। 2 TB का एक्चुअली मैंने हार्ड डिस्क ऑर्डर किया था तो आज आ गई, अब स्पेस का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। भाई संभाल के अच्छे से बाहर संभाल के निकल, आराम से निकल। देख स्पाइडरमैन का लोगो निकलेगा, मार्वल इतू सा चीज़ है रे, इतना महंगा। आराम से खोल यार। हार्ड डिस्क तो ठीक है, दिख नहीं रहा यहाँ पे अच्छे से, पर स्टिकर मिला है मार्बल का, ये रहा। फिर क्या लिखा हुआ, स्पाइडरमैन का, सारा स्पाइडरमैन का, तीनों का, टोबी एंड्रयू और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का स्टिकर। इतू सा चीज़ है 2 TB का। आप लोग एक बार प्राइस गेस करना ठीक है कमेंट में। स्टार्ट करो, देखते हैं किसका सही जवाब लगता है। नहीं। A lot of boring math later. तो ये है हमारे अंचल का मंडप, आप देख सकते हो यहाँ पे केदारनाथ का जो मंदिर है वो बनाया गया है, बहुत अच्छी लग रही है एक्चुअली। और अभी बस दुर्गा माँ की प्रतिमा को उतारा जा रहा है तो सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत संभाल के उतार रहे हैं। कल परसों का ब्लॉग में मैं अंदर जाकर अच्छे से दिखा दूंगा, अभी तो फिलहाल जिम से घर जा रहा हूँ तो अभी बस इतना ही दिखा पाऊंगा। Yeah.
just then. So back to my room, guys. वैसे यार ये hard disk तो मैंने test ही नहीं किया. मतलब सुबह तो लाके office से मैं pack करके रख दिया था, वैसे ही पड़ी हुई है. तो चलिए एक बार इसको खोल के देखते हैं, चलती वगैरह है कि नहीं है. तो ये यहाँ पे मैंने अभी एक sticker notice कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे the Big Billion Day Special लिखा हुआ है. शायद से visible होगा. तो just because Big Billion Day के time में खरीदा. तो देखने में यार बहुत मस्त है. एक बार देखते हैं खोल के सब कुछ ठीक है या नहीं, वरना यार रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. लेट्स चेक. ओ तेरी, अगर इसे हम मतलब ऐसे ऑन करते हैं इसे बहुत ही तगड़ी रेड कलर की LED जलती है. एक बार लाइट्स ऑफ करके देखते हैं कैसी लग रही है. बस ऊपर से वो ग्रीन LED का लाइट हल्का सा आ रहा है. देखने में बहुत मस्त लग रही है. लेकिन 150 रुपया देगा? आर यू कॉमेडी? फिलहाल तो अभी 290 GB का फाइल ट्रांसफर हो रहा है यार. सोचो कितने सारे व्लॉग्स हैं एक स्कीम में. तो यार अभी तो ऑलमोस्ट 20 मिनट से फाइल ट्रांसफर हो ही रहा है और इसके टाइम के हिसाब से तो अभी और 3 घंटा 15 मिनट लगने वाला है. तो रात भर होने तो मैं लैपटॉप भी खोल के जा रहा हूँ बेड में. सो जाऊँगा अगर रात को नींद खुलती है तो आके फिर निकाल दूंगा. तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड. यार पूजा वगैरह कल तो यार पूजा वगैरह स्टार्ट हो गया है. कल से घूमना स्टार्ट हो जाएगा. कल मैं थोड़ा बिजी रहूँगा क्योंकि कल मुझे जाके मेरे कज़न लोग को लेके आना है मेरे नानी के घर से. कल मोस्ट प्रोबेबली जा सकता हूँ नानी के घर मोस्ट प्रोबेबली. तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है. तो आज के ब्लॉग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. चैनल में नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब और चैनल के दूसरे ब्लॉग्स को देखना मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरह आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाते रहता हूँ. तभी के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग. चलो कल मिलते हैं. बाय.